राजस्थान जितना अपने महल और किलों के बारे में जाना जाता है, उतने ही चर्चित हैं यहाँ की गुफाएं और तबाह हो चुकी रियासतें। इनमें से एक है मायरा की गुफाएं, जो कभी भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप का निवास स्थान भी रही। दरअसल जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, उस समय दिल्ली पर अकबर का शासन था। वह सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य का ध्वज फहराना चाहता था। वहीं मेवाड़ की भूमि को मुगल अधिपत्य से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा, मैं महलों को छोड़ जंगलों में रहूंगा। इसी बीच महाराणा प्रताप ने इस गुफा को अपना शस्त्रगार बनाया। वीर महाराणा प्रताप के इसी बलिदान और शौर्य गाथा की गवाह रही है यह मायरा की गुफाएं। ये गुफा उदयपुर जिले के अरावली की पहाड़ियों में जंगलों में स्थित है। वीर महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी के युद्ध से जुड़ी होने के कारण मायरा की गुफाएं राजस्थान के इतिहास में बहुत महत्व रखती है। हल्दी घाटी की लड़ाई में इस गुफा का योगदान बहुत अहम था। मुगल शासक अकबर से हुए संघर्ष के दौरान महाराणा को राजमहलों से दूर रहकर अपना युद्ध जारी रखने और सुरक्षित रहने के लिए अपने गुप्त और सुरक्षित स्थान तलाशने पड़े थे। इन स्थानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था मायरा की गुफाएं। शरीर की नसों जैसी आकृति में बनी इस प्राकृतिक गुफा को हल्दी घाटी की लड़ाई के दौरान महाराणा प्रताप ने अपना शस्त्रगार बनाया था, तभी तो इस गुफा को महाराणा गुफा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने मायरा की गुफा में घास की रोटी खाकर दिन गुजारे थे। प्रताप यहाँ गुप्त मंत्रणाएं भी करते थे। इस गुफा की खासियत ये है कि बाहर से देखने पर इसका प्रवेश द्वार दिखाई नहीं देता, और यही कारण था कि इस गुफा के एक हिस्से को महाराणा प्रताप ने हथियार रखने के लिए तैयार किया था। मायरा की गुफा में जानवरों को रखने के लिए अलग से कमरे और रसोई घर भी थी। बताया जाता है कि इन कमरों में प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को बांधा जाता था, इसलिए इसे आज भी पूजा जाता है। गुफा के अंदर माँ हिंगलाज का एक मंदिर भी बना हुआ है। गुफा में जाने के तीन अलग अलग रास्ते हैं, जिनके टेढ़े मेढ़े रास्ते भूल भुलैया जैसे लगते हैं, जिसे समझ पाना शत्रुओं के लिए असंभव था। अरावली की पहाड़ियों के बीच होने के कारण यह स्थल दुर्गम होने के बावजूद अत्यंत रमणीय स्थल है। इस गुफा के ऊपर की पहाड़ी से एक प्राकृतिक झरना भी गिरता है, जो बारिश के दिनों में आकर्षण हो जाता है। मे बाड़ी मान बचावण ने हूँ पाछ नहीं राखी रण में बेरारो खून बहावण ने जद याद करूँ हल्दी घाटी नैना में रगत उतर आवे सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी हूँख जगा जावे पण आज बिलख तो देखूं हूँ जद राज कुंवर ने रोटी ने तो शास्त्र धर्म ने भूलूं हिंदवाणी छोटी महला में चपन भोग जका मनवार बिना करता कोनी सोनेरी थाला नीलम रे बाजोट बिना धरता कोनी हरे घासरी रोटी ही जद वन बिलावड़ो ले भागो नानो सो अमरो चीख पड़ो राणा रो सोयो दुख जागो